दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं और इन 70 सालों में भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जो अपने आप में एक यादगार रह गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा और आप इसे YouTube पे सर्च करके देखिएगा कि क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या कैजुअलिटी हुई। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1947 से, जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान नया देश बना था, तो उस समय 1.5 करोड़ लोग कम से कम इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे और उसी समय करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। तो ये आप YouTube पे सर्च करके देखिएगा कि क्या ट्रेजेडी हुई थी उस समय और क्या माहौल था उस समय। फिर आते हैं दोस्तों, हमारा संविधान बना 1950 में और उसके बाद जो पहला कैजुअलिटी हुआ वो था दोस्तों 1962 का इंडिया चाइना वॉर। इस समय हमारे देश के लिए बहुत विडंबना थी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था और 1962 में हमें चाइना से मुंह की खानी पड़ी थी। इस समय हमारे करीब 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। उसके बाद दोस्तों आता है 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर और ये बहुत इंटरेस्टिंग वॉर था दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि 1962 में इंडिया चाइना से हारा है और 1964 में दुर्भाग्यवश हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर वो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो पाकिस्तान को लगा था कि इंडिया पे हम आसानी से कब्जा कर लेंगे, यानी कि कश्मीर के भाग में, लेकिन ये उसकी गलती थी दोस्तों और हमने बहुत मुकाबला किया और उसको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये फोटो में आप देखिए कि हमारी सीमा, हमारी सेना कहाँ तक पहुंच चुकी थी। उनके लाहौर स्टेशन पे हम खड़े हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों, लाहौर का उनका मेन शहर है। फिर 1965 के बाद 6 साल के बाद 1971 का युद्ध आता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें दोस्तों बांग्लादेश एक नया देश उभर के बना। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों बता दूं कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये पाकिस्तान का ही भाग था। तो उस समय हमारी इंडियन आर्मी ने बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का बहुत हल किया था। तो इसमें बहुत सारे कांड हुए थे, इसमें विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय आर्मी के सामने घुटने टेक दिए थे, सरेंडर किए थे। तो आप ये इवेंट यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करके देखिएगा। फिर आता है दोस्तों 1975 का इमरजेंसी, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था दोस्तों। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने ये इमरजेंसी लगवाया था। तो आप समझ सकते हैं, ये इवेंट को भी आप जरूर देखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद आता है 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस समय जो भंडारनर वाले थे, इसका नाम मैंने अभी सही से प्रोनाउंस नहीं किया, लेकिन दोस्तों आप इसे देखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें खालिस्तान की जो मांग उठी है, अगर आपको पता है तो फिर पंजाब को अलग देश बनाने की मांग उठी है दोस्तों, जो अभी भी कई जगह चलती है। तो ये आप देखिएगा, क्योंकि गोल्डन टेंपल पे एक हेडक्वार्टर बन गया था हर भिंडारन वाले का, मैं बार बार प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इवेंट हुआ था दोस्तों और इसमें गोल्डन टेम्पल को कवर अप कर लिया गया था उस भिंडारन वाले से, मैं बार बार प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें इंदिरा गांधी ने एक अहम रोल निभाया था क्योंकि वो सेंटर में थी तो उनको कंट्रोल करना था। तो इसी के, ये गोल्डन टेम्पल के जब सारा इवेंट कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो उसके जस्ट 5 महीने के बाद ही उनके जो सिख गार्ड होते हैं, दो सिख गार्ड होते हैं, वे उनकी हत्या कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारी इंदिरा गांधी है, उनकी हत्या कौन करता है, तो सिख बॉडीगार्ड उनके। और इसी के बाद एंटी सिख राइट होता है, जिसमें कि 3000 से ज़्यादा सिख मारे जाते हैं। तो ये इवेंट भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काला चिट्ठा है। फिर आता है दोस्तों 1992, इसे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अभी भी माहौल इसका बना हुआ है, 1992 का राम मंदिर, जिसमें बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। तो ये इवेंट भी आप देखेगा और बैकग्राउंड आप समझिएगा। 1992 के बाद आता है दोस्तों 1998, जी हाँ, पोखरान टेस्ट, यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर वेपन से हम संपन्न हो गए थे 1998 के दिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, हमारे लिए अचीवमेंट था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था। उसके बाद आता है दोस्तों 1999 में करगिल युद्ध, जिसमें करगिल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने तहलका मचाया था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हमारी जो कश्मीर की जो लोकल पीपल थी, लोकल लोग थे, उन्होंने वहाँ की आर्मी का सहयोग किया, यानी कि इंडियन आर्मी का सहयोग किया, और फिर वहाँ से पाकिस्तानी लोग को हम लोग हराए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1999 में दोस्तों। एक्चुअली में 1998 से 2003 के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए, मैं आपको गिनवाता हूँ।
तो 1999 में करगिल युद्ध मैंने बताया। फिर दोस्तों 1999 में ही हमारा प्लेन हाईजेक हो गया था काठमांडू से, जो जो काठमांडू से उड़ान लिया था, दिल्ली उसका डेस्टिनेशन था, लेकिन दोस्तों ये प्लेन हाईजेक कर दिया था पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने। और ये प्लेन हाईजेक हुआ था काठमांडू से, तो ये फर्स्ट लैंड किया दोस्तों, जो वहाँ के आतंकवादी थे उन्होंने पहली बार लैंड करवाया अमृतसर में, फिर अमृतसर से वही प्लेन लैंड किया लाहौर, और फिर लाहौर से फिर लैंड किया दुबई, और उसके बाद एक कांधार अफगानिस्तान वहाँ पर लैंड किया था। तो इसमें दोस्तों कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई थी, लेकिन हमें इसमें एक्सचेंज ऑफर किया गया था, एक्सचेंज करना पड़ा था आतंकवादी को उनके हवाले करके, और हमारे 176 पैसेंजर को वापस लाना पड़ा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। प्लेन का नाम था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 841। तो ये इवेंट भी आप यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। उसके बाद 2001, यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा इवेंट होता है, जो अगर ये हो जाता तो ये हमारी सबसे बड़ी बदनामी थी अब तक की, क्योंकि पार्लियामेंट्री अटैक। जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट पे हमारा अटैक हुआ था, 5 आतंकवादी लोगों ने हमारे पार्लियामेंट में अटैक कर दिया था, और उस समय हमारे पार्लियामेंट के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी समेत 100 सांसद थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो 5 आतंकवादी हमारे पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते तो क्या मुंह दिखाने लायक रहते हम। तो ये हालांकि ऐसा नहीं हुआ, हमारे सुरक्षा गार्ड, 9 सुरक्षा गार्ड इसमें मारे गए दोस्तों, और उन्होंने देश की लाज बचाई, क्योंकि पार्लियामेंट ही अगर देश का सेफ नहीं है तो देश का कौन सा पार्ट सेफ है। तो ये आप देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। उसके बाद आता है दोस्तों 2001 का गोधरा कांड। जी हाँ, गोधरा कांड, जिसमें कि गोधरा एक स्टेशन है गुजरात का, वहां पर कार सेवक जो अयोध्या से लौट रहे थे, तो S6 बॉगी नंबर में 58 लोगों को बॉगी को जला दिया जाता है, और उसमें ही 58 कार सेवकों की मौत हो जाती है, वहीं पर जल के वो मर जाते हैं। और इसी के अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को गोधरा कांड होता है, और फिर उसके बाद 28 फरवरी से गुजरात राइट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे जो मुसलमानों लोगों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, बहुत सारी कैजुअलिटी होती है। इसी समय आरोप भी बहुत लगा है नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने पुलिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा सिचुएशन को, ये आरोप लगे थे दोस्तों, लेकिन ये बेबुनियाद थे, इनका कोई हकीकत से लेना देना नहीं था। और इसी के समय में दोस्तों आपको याद होगा कि अमेरिका नरेंद्र मोदी पर वीजा, मतलब उनको बैन कर दिया था अमेरिका आने से। तो ये इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों हमारे देश के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों 2008 का मुंबई अटैक, जिसमें कि 166 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी जाती है। तो ये भी आप यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखिएगा। फिर आता है दोस्तों 2013 का उत्तराखंड का त्रासदी, जिसमें करीब 5,000 से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो यही इवेंट आप देखिएगा, क्योंकि उस समय मैं दोस्तों 8th क्लास में था, और उस समय हमारे स्कूल में जो कैंप चल रहा था कि कंट्रीब्यूट करना है, तो यही वो कंट्रीब्यूशन था दोस्तों 2013 का उत्तराखंड का। तो उस समय मैं छोटा था, 8th क्लास में था, लेकिन मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था, और आपने भी किया होगा। उसके बाद दोस्तों 2014 का इलेक्शन होता है, और उसके बाद जो भी इवेंट हुए वे हमारी और आपके एज वाले जितने भी ग्रुप हैं उनकी नज़र में है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, GST हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। तो ये जो इवेंट हुए दोस्तों ये हमें याददाश्त है, लेकिन जो हमारे 18 से 25 वाले के जो ग्रुप है उन्हें जो 2014 के पहले का जो इवेंट हुआ वो याद नहीं है। तो मैं दोस्तों उस इवेंट का नाम मैंने आपको बता दिया है, आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, आप प्लीज इसे सर्च करके देखेगा, क्योंकि ये हमारे देश का एक नक्शा है, हिस्टोरिकल पार्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद।